चार वर्षों से कुंडा कोतवाली परिसर में स्थित नीम के पेड़ के नीचे धूप, बारिश, ठंड और खुले में पड़े हनुमान जी को भी अपना घर मिल गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच रविवार को कुंडा कोतवाल कमलेश पाल के दिमाग में अचानक यह बात आई कि जब भगवान श्री राम अपने घर पधार रहे हैं तो क्यों ना राम भक्त हनुमान जी का एक मंदिर बनाकर उन्हें स्थापित कर दिया जाए, जिसके बाद मंदिर के निर्माण का कार्य शाम 3 बजे शुरू हो गया। युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें 5 राजमिस्त्री, 10 मजदूरों के साथ ही कुंडा कोतवाली के दरोगा और सिपाही मंदिर निर्माण में जुट गए। 24 घंटे चले काम में सुबह 10 बजे मंदिर बनकर तैयार हो गया। 5 आचार्य को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नीम के पेड़ से हनुमान जी को उठाकर उनके नव निर्मित मंदिर में स्थापित किया गया, जिसके बाद शाम को कुंडा कोतवाली में एक बृहद भंडारे का आयोजन किया गया। पूरी कोतवाली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कोतवाली गेट से लेकर कार्यालय, बैरक और मालखाने तक साफ सफाई के बाद दीपक जलाकर इस पर्व को उत्सव की तरह मनाया गया। रातों रात बनी मंदिर चर्चाओं में है और सभी क्षेत्रवासी इस कार्य की खुलकर सराहना कर रहे हैं। यह पावन कार्य सभी के सहयोग से कराया गया। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे दोस्तों तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।